पाला। दो दिन बाद फ्लाइट से आ रही है, अपना किया हुआ वादा पूरा कर रहा है। हाँ, जुबान का पक्का निकला ही। मैं चाहता हूं कि ये केस तुम दोबारा खुलवाओ और ये साबित करो कि यह खुदकुशी नहीं खून है। और मैं तुम्हें वादा करता हूं ऐसे कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा सरेंडर करने। ठीक है सर, इस बाला को एयरपोर्ट से ले लेते हैं कस्टडी में। नहीं दे, बाला को अपनी बेटी कीर्ति का अंतिम संस्कार तो करने दो। बाला की जान को खतरा है। देखो, आज तक हमने आए केस से रिलेटेड किसी भी मुजरिम को पकड़ा है, या तो उस मुजरिम का खून हुआ है या फिर मुजरिम ने खुदकुशी की है। कपिल, बोलो। कपिल, और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। सर ये तो मर गया। बाला हमारे लिए बहुत ही कीमती मोहरा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? कावली रोड पे एक आदमी को किसी ने गोली मार दी है। पकड़िए, तीन बार परिक्रमा कीजिए। ओम देवताभ्यः योगिभ्यः सर्वदेवतायै च। बहुत प्यार करती थी काजल अपने भाई से। मुखाग्नि हम देवम सर्वरक्षा। एक दिन भी रुकने को तैयार नहीं थी नितिन की बॉडी के लिए। हाँ, इसीलिए तो सारों के सामने बॉडी हैंड ओवर कर दी। लेकिन इसके इंटरनल ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, पता तो चले कि नितिन जैसा समझदार आदमी अचानक इतना खतरनाक कैसे हो गया। इस काजल की इच्छा थी नितिन का अंतिम संस्कार वो खुद करे। मैं इनके अलावा नितिन का इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। चलाना यार, किधर है? आजा। हाँ जी, कहाँ तुम? मैं बस अभी घर पहुंचा। अरे यार, ये मतलब ये लिफ्ट आएगी तो घर जाऊंगा यार। यहाँ वेट कर रहा हूँ बस लिफ्ट का। हेलो अभिजीत, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे क्या हुआ मैम? लिफ्ट आगे आगे। क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट से सर। एक्सीडेंट कब, कैसे कैसे हो गया ये? सर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है।
क्या क्या बकवास कर रहे हो? नींद में हो क्या? सर हाँ पूर्वी सर अभिजीत सर के गाड़ी पे राइट साइड पे स्क्रैचेस है सर। देखा सर मैं कह रहा था ना अभिजीत सर की गाड़ी ने हमें ठोकर मारी है। कैसे हो गया सर? आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं सर? आपने कल रात अपनी गाड़ी से हमें ठोकर मारी है। पता नहीं क्या हो रहा है सर, मेरे साथ कुछ कुछ अजीब सा हो रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो कैसे? अभिजीत लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कल फोन पे भी तुम बोल रहे थे कि बुखार जैसा कुछ लग रहा है। बुखार? हाँ वो। अरे आप कुछ काम था? तुम्हारा ये ऑक्टोपस जैसा मास्टरमाइंड, द आई, उसकी आंखों में हमारा ये कानून कैसे धूल झोंकता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।